क्या आपको लगता है कि बिना पेड टूल परचेज करे आप अपने लिए कीवर्ड्स नहीं निकाल सकते, या जब तक आप सेमरश और एचरफ जैसे पेड टूल नहीं खरीदेंगे आपको वो रेलेवेंट कीवर्ड्स नहीं मिलेंगे जिन पे अपनी वेबसाइट या अपने आर्टिकल ब्लॉग को रैंक करवा पाएं? तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि आप फ्री में हाई क्वालिटी सर्चेबल कीवर्ड निकाल सकते हैं जिनके पे सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा और कॉम्पिटिशन बहुत लो होगा, जिन पे बहुत कम कॉम्पिटिटर्स काम कर रहे होंगे और आप उन पे इजीली अपनी वेबसाइट या आर्टिकल्स को रैंक करा सकते हैं। गाइज, अगर आप अब तक ये सोच के आए हैं कि बिना इन्वेस्टमेंट के कीवर्ड्स निकालना इम्पॉसिबल है तो आप बिल्कुल गलत हो, और मैं आपको ये आज करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना है। हम सबसे पहले जाने वाले हैं गूगल एड्स के कीवर्ड प्लानर के ऊपर। ध्यान से सुनिएगा, गूगल एड्स के कीवर्ड प्लानर के ऊपर, जहाँ से हम उन कीवर्ड्स को निकालने वाले हैं जो हमारे लिए रेलेवेंट है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें यहाँ पर नॉर्मली कीवर्ड प्लानर लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कीवर्ड प्लानर शो हो जाएगा, आप देख सकते हैं फाइंड योर कैंपेन कीवर्ड विद कीवर्ड प्लानर, इसको आप ओपन कर लेंगे। व्यू विजिट कीवर्ड प्लानर के, आप विजिट कीवर्ड प्लानर आपको दिख जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके पास कुछ ऐसा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो आप इसको नॉर्मली क्रिएट कर लीजिएगा, बहुत ही ईजी होता है इसे क्रिएट करना। आप जाएंगे यहाँ पर साइनअप कर देंगे, ऑटोमेटिकली साइनअप हो जाएगा। उसके बाद आपको उसे तुरंत कीवर्ड प्लानर के ऊपर आ जाना, और कीवर्ड प्लानर के ऊपर आने के बाद आपको ऐसे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स का ऑप्शन दिखेगा, हमें इसके ऊपर क्लिक करना है। डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पर क्लिक करते ही मेरे सामने शो हो जाएगा स्टार्ट विद कीवर्ड्स, और वहां पर आपको दिखेगा जो एक तो लोकेशन दिख जाएगी आपको यहाँ पर इंडिया, या आप जिस भी लोकेशन को टारगेट करना चाहें या आपको जिस भी लैंग्वेज से रिलेटेड अपने कीवर्ड्स को रिसर्च करना हो। तो अभी मैंने इसको इंडिया से हटा के दिल्ली कर देना है, और दिल्ली कर दिया मैंने, दिल्ली इंडिया सिटी। उसके बाद नीचे से इंडिया को मैं रिमूव कर दूँ, क्योंकि मैं अभी जो कीवर्ड्स निकालने वाला हूँ दिल्ली को टारगेट करके निकालने वाला हूँ। अब इसको मैं सेव कर दूंगा, और सेव करने के बाद सबसे पहले मुझे अपने बिजनेस रिलेटेड या जो भी मैं सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा हूँ उससे रिलेटेड मुझे यहाँ पर कुछ सर्चेस निकालने हैं। जैसे कि अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली लिखता हूँ, ये हो गया मेरा पहला कीवर्ड, और उसके बाद मैं यहां पे लगा देता हूं बेस्ट। ऐसे आप 10 कीवर्ड्स एक बार में इसमें अपने टॉपिक से रिलेटेड सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे यहां पर गेट रिजल्ट्स पे क्लिक कर देना है। यहां पर आपको वेबसाइट डालने का ऑप्शन आएगा, जो आप एंटर अ साइट फिल्टर अनरिलेटेड कीवर्ड्स, ताकि आप जो अगर आप इसमें अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल देंगे तो आपकी वेबसाइट को रीड करेगा और आपकी वेबसाइट के रिलेटेड ये कीवर्ड शो करेगा, ताकि आपके अननेसेसरी कीवर्ड्स इसमें ना हो। बट आपको इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल यहाँ पे गेट रिजल्ट्स पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद ये डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज से रिलेटेड आपको कीवर्ड शो कर देगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इसने आपको और ज़्यादा ऑप्शंस दे दिए हैं, जिनको आप क्लिक करके नॉर्मली और भी ऑप्शंस ले सकते हैं। यहाँ पर ये कीवर्ड्स आप यहाँ से ऐड करके गेट रिजल्ट कर देंगे, आपको ये ऑप्शंस कीवर्ड के ऐड हो जाएंगे इसमें। अब उसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा कि ये सारे कीवर्ड्स एक लिस्ट में यहाँ पर आपको शो हो रहे होंगे। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, फिल्टर वगैरह का ऑप्शन मिलेगा, आपको चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग फिल्टर ऐड कर सकते हैं इसमें, ऑर्गेनिक इंप्रेशन शेयर और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम नॉर्मल यहाँ पर आएंगे और इस ऑप्शन पे क्लिक करके एक एक्सेल शीट को डाउनलोड कर लेंगे। ध्यान से सुनेगा, हम यहाँ पर आके एक्सेल शीट को डाउनलोड कर रहे हैं ताकि हमारे पास एक्सेल फॉर्मेट में वो सारे कीवर्ड्स आ जाएं जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड हैं। अगर आप 10-15 तरह के अलग अलग सर्विसेज को सर्च कर रहे हैं तो आप एक ही बार में एक एक टॉपिक से सर्च करके एक्सेल शीट में उसको निकाल के रखिए और अपने अलग अलग टॉपिक से सर्च करते रहिए। फिर आपके पास जितनी एक्सेल शीट हो जाएंगी आप उनको अलग अलग ओपन कर लीजिए और अपने रिलेवेंट कीवर्ड्स को सर्च कर लीजिए। अभी फिलहाल मैं एक ही एक्सेल शीट के ऊपर आपको करके दिखाता हूँ। इस शीट को हमें ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस दिखने वाले हैं और इसको देख के हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हम अननेसेसरी रिक्वायरमेंट या जो भी है उनको डिलीट कर देंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग के 2 ऑप्शंस को हम डिलीट कर देते हैं, और उसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर एक इंसर्ट कॉलम कर देना है लेफ्ट साइड में, ताकि आपके पास एक यहाँ पर सीरियल नंबर का ऑप्शन आ जाए और आप इजीली अपने कीवर्ड्स को काउंट कर सकें जब आप फिल्टर कर लेंगे उसके बाद भी, नहीं तो फिल्टर करने के बाद इन कीवर्ड्स की पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब हम देख सकते हैं हमारे पास सीरियल नंबर है, कीवर्ड्स हैं, करेंसी है जिसकी हमें अभी कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको डिलीट कर देंगे। एवरेज मंथली सर्चेज मस्ट इम्पॉर्टेंट है,
कि हमारे पास मंथली सर्चेस कितने हैं। हालांकि गाइस ये पेड गूगल एड्स पेड है और इस पे पेड सर्चेस ये शो कर रहा है, बट आप इसे बिल्कुल भी घबराइएगा मत, क्योंकि जब हम कोई एड्स रन करते हैं तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम कीवर्ड वही ऐड करें जिस पे हमें ट्रैफिक मिले। ट्रैफिक हमें अगर किसी कीवर्ड पे मिल रहा है इसका मतलब वो रेलेवेंट कीवर्ड है। तो यहाँ पर वो पेड इंप्रेशन शो हो रहे हैं जो गूगल एड्स जिसने भी इनमें पेड एडवर्टाइजमेंट रन करी थी, बट उन कीवर्ड्स की क्वालिटी हमेशा हाई थी और आज भी हाई है। अगर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली आपके यहाँ शो हो रहा है तो इस पे एवरेज मंथली सर्च 500 दिखा रहा है और ये हाई कॉम्पिटेटिव कीवर्ड है गाइस। आप यहाँ पर कंपटीशन में लो दिख रहा होगा आपको, बट आप इसको देखे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। इसका यहाँ पर जो कंपटीशन लो दिख रहा है ये भी बहुत हाई होने वाला है। और उसके अलावा हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे क्या क्या ऑप्शन हमें ज़रूरी हैं और क्या क्या नहीं है। कंपटीशन यहाँ पे आपको दिखाएगा इंडेक्स वैल्यू की 100 में से कैलकुलेट करके बता रहा है कि आपको उसके कंपटीशन का लेवल क्या है। अभी हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारे पास कंपटीशन इंडेक्स के अलावा लो मीडियम हाई वाला ऑप्शन है, वो हम रख लेंगे। ये आपको रखना आप रख लीजिएगा, बट मुझे ऐसी खास ज़रूरत नहीं लगती है। उसके अलावा मुझे यहाँ पर YOY मतलब ईयर टू ईयर जो चेंजेस वगैरह हैं ये सब दिखा रहा है, हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। टॉप ऑफ द पेज और इन सब की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम इन सबको करने वाले हैं डिलीट और हटाने वाले हैं यहाँ से, और हम सिर्फ वही चीज़ रखने वाले हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। और ज़रूरत की चीज़ हमारे सामने है और ये हमने फ्री में गूगल एड्स के थ्रू निकाल लिया है, जिसको आप फ्री में साइनअप करेंगे और फ्री में ही यहाँ पर आके सर्च कर लेंगे। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली, यहाँ पर आपको लो कॉम्पिटिशन दिख रहा है, बट गाइज ऑलमोस्ट दिल्ली में जितने डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज है वो इस कीवर्ड को टारगेट करके रखती हैं। इसीलिए अगर आप यहाँ पर कोर्ट्स में आके अपने सर्चेज को चेक करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर कि इस पे 3,48,000 रिजल्ट दिखा रहा है, यानी कि 3,48,000 समथिंग पेजेस पर ये ऑलरेडी सेम फ्रेज कीवर्ड का मैच करता है, तभी ये इन वेबसाइट्स को यहाँ शो कर रहा है। तो आप अंदाजे लगा सकते हैं कि कितने लोग इन कीवर्ड्स पर काम कर रहे होंगे, कितने लोगों ने इन कीवर्ड्स पर अपनी वेबसाइट को मेंशन किया होगा। और देख सकते हैं काफ़ी हाई कॉम्पिटेटिव कीवर्ड्स है और इस पर जस्ट डायल से लेकर बड़े बड़े जो हैं कंपनीज ने अपने कीवर्ड्स को टारगेट किया हुआ है। इसके अलावा आप और कीवर्ड देखते हैं SEO डिजिटल मार्केटिंग और बेस्ट SEO मार्केटिंग कंपनी, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये सब यहाँ कीवर्ड्स हमें यहाँ शो हो रहे हैं। अब हमें क्या करना है गाइस कि इन कीवर्ड्स में से आपको यहाँ दिख रहा होगा 1,000 से ज़्यादा कीवर्ड्स हैं, हमें इन कीवर्ड्स में से उन रेलेवेंट कीवर्ड्स को निकालना है जिनको हम इजीली अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप देख सकते हैं आपको 1,000 से ज़्यादा कीवर्ड्स में नहीं पढ़ना है, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको उन रेलेवेंट कीवर्ड्स को नॉर्मली ऊपर से एक बार देख लेना है और उनकी अलग से लिस्ट बना लेनी है जो आपको लगता है कि आपके बिजनेस के हिसाब से ठीक है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली मुझे ठीक लग रहा है, उसके अलावा मैं देखता हूँ नीचे तो मुझे दिख रहा है ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी जो मार्केटिंग से रिलेटेड भी हो, उसके अलावा टॉप सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनीज, अगर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करता हूँ तो अगर मुझे इसकी ज़रूरत होगी तो मुझे इसमें सारे कीवर्ड्स शो हो जाएंगे। ऐसे आपको एक प्रॉपर लिस्ट बना लेनी है, आप चाहें तो इन एवरेज मंथली सर्च या कंपटीशन में फिल्टर करके भी इनको इजीली देख सकते हैं कौन सा लो है, कौन सा मीडियम है, कौन सा हाई है। इसके बाद हमारा गाइस सेकेंड स्टेप जो है कंटिन्यू होने वाला है। मान लीजिए मैंने अपने शुरू के इन 20 कीवर्ड्स को फाइनल कर लिया है, मैं आपको नॉर्मली भी समझाने के लिए बता रहा हूँ कि 20 कीवर्ड्स मैं मान के चल रहा हूँ कि ये मैंने फाइनल कर लिए हैं। अब इन 20 कीवर्ड्स को फाइनल करने के बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है कि मैं HRF पे जाने वाला हूँ और वहाँ पर फ्री में, ध्यान से सुनेगा, मैं HRF का कोई पेड वर्जन यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि मैंने भी इन टूल्स को पहले परचेज करके देखा है, लेकिन वो सारा काम आप गूगल के थ्रू, गूगल एडवर्ड के थ्रू, कीवर्ड प्लानर के थ्रू और सर्च कंसोल के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि गूगल से ज़्यादा बेटर ट्रैकिंग सिस्टम अभी तक किसी और पेड टूल्स का है। अदर वेबसाइट्स को भी गूगल ही ट्रैक करता है, तो उससे ज़्यादा बेटर रेलेवेंट रिजल्ट आपको कोई कंपनी नहीं देने वाली है गाइज। इनफैक्ट अधिकतर कंपनीज के पास तो वो रेलेवेंट डाटा ही नहीं है। अगर आप नॉर्मल कई कीवर्ड सर्च करेंगे उनके पास एनी ऑप्शन शो हो जाएगा जहाँ से उनको नहीं पता चलेगा कि ये क्या रिजल्ट शो कर रहे हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली पे एक्चुअल में कितना ट्रैफिक है और कितना कॉम्पिटिशन है। अब इसके लिए हमें पेड टूल के फ्री वर्जन को यूज़ करना है। इसके लिए मैं यहाँ पर HRF बैकलिंक चेकर को हटा देते हैं और इसकी जगह HRF कीवर्ड जनरेटर पे हम आ जाते हैं। फ्री कीवर्ड जनरेटर टूल HRF का है जिसे हम यूज करने वाले हैं और यहां पर आकर हम अपने उस कीवर्ड को जो हमने यहां पर सिलेक्ट किया है डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली को सिलेक्ट करेंगे। कंट्री हमें सिलेक्ट कर देनी है यहां पर इंडिया, हमें यहां पर ऑल इंडिया रिजल्ट्स मिलेंगे उनको हमें चेक करना है और यहां पर हम फाइन कीवर्ड कर देंगे। और फाइन कीवर्ड करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स ऑप्शन मेंशन हो जाएंगे जो आप देख सकते हैं। आपको
यहाँ सी प्राइसिंग का ऑप्शन दिखेगा, बट आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ऐसे ऑप्शंस दिख रहे हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। इनके अलावा मुझे नहीं लगता कि हमें और भी किसी तरह के ऑप्शन की जरूरत पड़ने वाली है। अब जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली, इस पर कीवर्ड डिफिकल्टी हमें 27 शो हो रही है, वॉल्यूम 60 है। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली पे यहाँ वॉल्यूम जो है 700 शो हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा वॉल्यूम है और लास्ट 3 दिन का डाटा है। आप अगर चाहें इनमें से कोई भी कीवर्ड्स अगर आप नोट करके रखना चाहें, आप इनको अपनी शीट में यहाँ पर नोट कर लीजिए और अलग शीट में नोट कर लीजिए जहां पर आप नॉर्मली लिख देंगे। HRF के मैंने यहाँ पे अलग से मेंशन कर दिए हैं। अब मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कितने कीवर्ड्स की जरूरत है और मैं ऐसे कीवर्ड्स अलग अलग चेक कर सकता हूँ और आके देख सकता हूँ यहाँ पर कि मुझे किन किन कीवर्ड्स की जरूरत है। और यहाँ पर आने के बाद आपको उन कीवर्ड्स से रिलेटेड कीवर्ड डिफिकल्टी पता चल जाएगी और उन कीवर्ड्स पे इन टूल्स पर कितना ट्रैफिक शो हो रहा है ये भी आप इजीली देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मेंशन हो रहा होगा बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं। अब यहाँ पर आपको 0 to 10 सर्चेस मिल रहे होंगे और ऊपर आपको 10 to 10 सर्चेस दिख रहे होंगे, लेकिन इनमें से कई कीवर्ड्स ऐसे होंगे जिन पर अच्छे खासे सर्चेस होंगे। आप उन्हें अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कीजिए और इन कीवर्ड्स में भी आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें कि मुझे HRF की कोई ज़रूरत नहीं है तो आप इन कीवर्ड में से उन रेलेवेंट कीवर्ड को निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि इन कीवर्ड्स पर क्या सर्चेस आ रहे हैं। अगर मैं नॉर्मली किसी भी कीवर्ड को सर्च करूंगा तो मुझे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कीवर्ड शो हो रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन गुड़गांव, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन वेस्ट दिल्ली, ये सब गाइज वो कीवर्ड्स हैं जो नॉर्मल लोग सर्च करते हैं और इनको गूगल शो करता है। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको HRF पे ही डिपेंडेंट होना है, क्योंकि आप चाहें तो गूगल एड से कीवर्ड की लिस्ट निकाल के उन्हें नॉर्मल गूगल पे सर्च करके आप कोर्ट्स में अगर इनको सर्च कर देंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि नॉर्मल कितनी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो इन कीवर्ड्स को यूज़ कर रही हैं। तो इससे भी आपको एक आइडिया लग जाएगा गाइस। ये बहुत ही आसान तरीका है और ये बिल्कुल फ्री तरीका है जिससे आप रिलेवेंट कीवर्ड निकाल सकते हैं और अपनी वेबसाइट आर्टिकल या ब्लॉग जिस भी चीज़ के लिए आपको चाहिए आप इजीली इन कीवर्ड्स को निकाल के एक अलग लिस्ट बना सकते हैं और उन पर अपनी वेबसाइट को टारगेट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइस लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही रेलेवेंट टॉपिक्स लेकर आता रहता हूँ, ऐसे ट्रिक्स एंड ट्रिप्स लेकर आता रहता हूँ जिनसे आप बिना पैसा इन्वेस्ट करें फ्री में किसी भी चीज़ को सीख सकें और उन्हें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकें। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइज़।